भाजपा के कद्दावर नेता एवं मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रह चुके ज्ञान सिंह टिकट कट जाने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हम आपको बता दें कि ज्ञान सिंह के नाम आज तक चुनाव न हारने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दरकिनार किया है तो उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बगावत की ताल ठोक दी। शहडोल संसदीय क्षेत्र को लेकर भाजपा प्रत्याशी हिमांद्री को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार ज्ञान सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा और जैसे ही ज्ञान सिंह को टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत शुरू कर दी और आज कह रहे हैं कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर जनता की सेवा करूँगा। तो आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मुझे जिस तरह से मेरा जो थोड़ा बहुत भ्रमण अभी हुआ है क्षेत्र में और कार्यकर्ताओं का, जनता का बहुत ही स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को ज़रूर जीतेंगे। कि आप जो हैं 4 दिन पूर्व ही भाजपा में ज्वाइन की हुई हैं और आपको टिकट किन कारणों से दिया गया है ये लोग जानना चाह रहे हैं। आपको पता है ये तो पार्टी और संगठन तय करती है प्रत्याशी है। आज मैं इस क्षेत्र में मेरा था भ्रमण, कार्यकर्ताओं से मुझे मुलाकात करने आना था। अब यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ क्या, हमारे परिवार के ही सदस्य दाऊ जी से मैंने कहा आशीर्वाद ले लूँ। तो क्या आपके मुलाकात हुई दाऊ साहब से? अब चूंकि अभी क्या है, अब आप लोग जानते हैं कि अभी होली का समय चल रहा है गांव में, अब जानते हैं हफ्तों तक त्योहार का वो रहता है, तो अभी है नहीं, आते जाते रहेंगे, अभी तो कुछ ऐसा वो नहीं है, अभी तो शुरुआत है और ये तो मेरा घर है। ऐसा माना जा रहा है कि आपके टिकट मिलने से वर्तमान सांसद ज्ञान सिंह जी नाराज चल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आज ही कुछ मीडिया में जो है दाऊ साहब ने अपना बयान दिया हुआ है कि हो सका तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूँ, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं पता, मुझे ये जानकारी नहीं है, उन्होंने बोला नहीं बोला क्या है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और देखिए, पार्टी ने, संगठन ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रत्याशी बनी हूँ। और दाऊ जी की जहाँ तक बात है तो भाई वो मेरे पिता तुल्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जगह नाराज हो कि क्या करूँगा, संगठन सर्वोपरि होता शक्तिमान है। कोई संगठन के माननीय आए पूछे तो उनसे बताऊंगा कि भाई पूछूंगे मेरी क्या गलती हो गई। संगठन के सामने मेरा इतने सवाल है कि आखिर मैं कहाँ पे गलत किया। 1996 में लड़ाए, विधायक था, विषम परिस्थिति थी, केंद्र और प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की थी, आदेश माना और मेरे नेमी प्रेमी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे सहयोगी, क्योंकि बल पर पहली बार कांग्रेस हारी बीजेपी जीती। 13 दिन की थी, 18 महीने की सरकार थी, 18 महीना 13 महीना अटल जी की, भंग लोकसभा भंग हो गई, फिर मुझे मौका मिला। पहले तो लड़ने के बाद 96 में लड़ा तो इस्तीफा दिया विधायक से, ठीक रहा, फिर दोबारा लड़ा, दोबारा भी एक महाबली केंद्र का मंत्री दलवीर सिंह जी को, आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, फिर दोबारा उनकी हार हुई, अच्छे मतों से हार हुई। फिर तिवारा जब मेरा नंबर आया तो मेरी टिकट कट गई, स्वर्गीय प्रस्ते सिंह को मिल गई, मैं उनको धन्यवाद किया, माला पहनाया कटनी में, इसलिए कि उनको पहले से कह रहा था 90 की आ जाओ और कहाँ जनता पार्टी में पड़े हो, तब भी एक चालबाजी थी, लेकिन उस चालबाजी को जब मैं माला पहनाया कटनी के कार्यक्रम धर्मशाला में तो लोग दंग रह गए। मैं और कहा, सुनो, मैं चापलूस नहीं, हम दोनों रिश्तेदार हैं, मैं पहले से कहा था ये नाम जमा करते, मैं तो पहले से कह रहा था। वो भी अपन बेचारे आए, अटल जी की सरकार बनी, मैं दुर्भाग्य था उस सरकार में, मुझे
अटल जी के साथ में घूमने भागने उनके स्पीच सुनने का कार्यकाल देखने का शुभ अवसर नहीं मिला। 2003 का चुनाव आया, 5 साल खाली रहा मैं, नरोजाबाद विधानसभा से काम किया, दौड़ता रहा जो लोगों के बीच में, मुझे बोले टिकट दे दी मीना सिंह को, तो मैं कहा मैं तो न लड़ूंगा, कहे वहाँ से लड़ लो, मैं कहा नहीं लड़ूंगा, मैं कहा वो भाई इलाकेदार आदमी है, अच्छा वाला आदमी है अजय सिंह जी, मैं जनरल सीट से नहीं लड़ूंगा। दिल्ली बुलाया गया, मुझे कहा गया, मैं कहा लड़ूंगा, लड़ा मैं। वहाँ की जनता, मेरे आदिवासी भाई, मतदाता भाई, मेरे नेमी प्रेमी हितैषी लोगों की बल पर अच्छे मतों से अजय सिंह को हार हुई, बीजेपी जीती। लड़ रहे क्या? निर्दलित फार्म भरूंगा, अपन ने अभी थोड़ी और देखना है, विजय सिंह ने परसों जाना है, हमारे सब लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो इस निर्णय से उनके गले में ये बात निर्णय उतर नहीं उतर पा रही है, हम चर्चा कर लड़ू निर्दलीय मंडल से। मैं कहूँ ढूंढ लो भाई कोई मिलता हो तो, हिमाद्री को देख लो एक बार, आओ जाओ प्लेन में लाओ, मनाओ भाई, अच्छा रहेगा मेरे लिए। तमाम प्रयास किए, नहीं मानी बिचारी किसी की, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव में नोटबंदी के विपरीत खलबली के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता, मेरे सहयोगी, मेरे भाइयों ने अच्छी मेरी मदद की। अब तब यही नरेंद्र सिंह खुल करके मेरा विरोध किया था, कांग्रेस का प्रचार किया था, रिकॉर्ड है, पंपलेट है, जनता साक्षी है, मैं कुछ नहीं बोला, क्या बोलूं, हो गया अपना काम, हो गया। अब फिर नंबर आया, जाके बोला कि मेरा आखिरी है, एक बार दे दो, क्योंकि 3 बार जीतने के बाद ही मेरा 5 साल पूरा नहीं होता है, 6 महीने बाद तो इस्तीफा दिया था, 18 महीने में जो 5 साल में होना चाहिए काम था, मैं 18 महीने में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, 5 स्टॉपेज स्वीकृत हुए, नौतनवा हमारे हाजीपुर वाले लोग जो हमारी में अधिकांशता यहाँ निवासरत हो गए, मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय रेल विभाग के लोगों को धन्यवाद देने गया था। स्टॉपेज हुई, बरौनी की स्टॉपेज बुढ़ार हुई, उत्कल की बहुत पुरानी मांग थी जतहारी में हुई, 2 नई ट्रेनें चली, और तीसरा चौथा स्टॉपेज आपका नौरोजाबाद, गरीब रथ का उमरिया, अंबिकापुर से जबलपुर, नौरोजाबाद और चंदिया आदेश होना बाकी, आचार संहिता लग गए थे, मेरे पास रिकॉर्ड है, और बरौनी से वो गाड़ी एक बोगी लगी जो नागपुर तक जाएगी, हमारे प्रयास थे। पासपोर्ट कार्यालय का लिए प्रयास किए, सुख सुकृत हो गया, नौरोजाबाद आपके अनूपपुर नई जिला थी, केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता थी, बड़ी कुछ गुत्थियाँ उलझी हुई थी, जमीन को लेकर के हमने प्रयास किया, जिला प्रशासन से पूरा दस्तावेज भिजवाया, माननीय जयप्रकाश जी से मिले, और हमारे अनिल गुप्ता जी थे, आधाराम बैज जी थे, सबके सहयोग से केंद्रीय विद्यालय सुकृत हो गई, 300 करोड़ से ऊपर पैसा बिल्डिंग बनने के लिए राशि भी आ गई। आपका 5 फुट ओवर ब्रिज वेंकट नगर, जताहरी, बिजुरी, करकेली, नरोजाबाद, जिनमें काम शुरू है, उमरिया 5वां था, टेंडर नहीं हो पाने कार से उमरिया में सीधा विकटगंज की ओर जाने का, वो भी सेंक्शन है, टेंडर न होने के कारण से शुभारम्भ नहीं करा पाए। जितना मुझसे संभव हो सका, आपके अंबिकापुर से जबलपुर हफ्ते में 3 दिन चलती थी, उस गाड़ी को अपने डेली कराने का प्रयास किया, डेली रोजी शुरू हुई, मेमो खड़ी होती थी नूपुर में, बैंकुट अंबिकापुर से आकर के अनूपपुर में खड़ी रहती थी, उसको अपने शहडोल तक लाने का प्रयास किया, गाड़ी चलने लग गई, 2 नई गाड़ियाँ चलाए, हम सफ़र और अंत्योदय, ये गाड़ी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, 2 नई ट्रेनें चली, ये सब तो हमारी उपलब्धि थी, लेकिन दुर्भाग्य था मेरे को, मैं कहा भी 18-19 को भोपाल में था, मैं कहा आखिरी है मेरा भैया, मेरा कम से कम मोदी, आदरणीय मोदी जी के सरकार गठन हो, उसका मैं भी साक्षी बनूं, सहयोगी ग्रुप में मुझे एक बार दो जी, मैं दोबारा टिकट दोगे, मांगने तो आऊँगा नहीं, दोबारा टिकट दोगे तो लड़ूंगा नहीं, हाँ कहे, सबसे मिला 20 तारीख को, बोले ज्ञान सिंह समय बहुत कम, जाके प्रचार प्रसार करो, समय बहुत कम, लग जाओ, चले आया भाई। 21 तारीख सुनता हूँ कि सीधे प्लेन से आई दिल्ली से,
और ज्वाइन कर ली। लोग पूछते रहे मगर ठीक है भाई ज्वाइन करना है तो ज्वाइन किए, तो आए भाई परिवार पार्टी परिवार के लोग उससे मिले जुले कुछ काम करें, साल दो साल अच्छी आ गई हैं। लेकिन ये थोड़ी ऐसा होता है कि पर से परत पर से थाली हम दे दें, ये तो हम तो नहीं पचा पाएंगे। उसके बाप को भी दोबारा हरवाए, इसको भी हरवाए, अब हमसे कोई उम्मीद करेगा कि प्रचार करो। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के लोग मेरे नेम प्रेमी लोग बांधवगढ़ जिला उमरिया भर के नहीं, अनूपपुर कोतमा आपके पुष्पराजगढ़ जयसी नगर तमाम ऐसे लोग हैं जिनका डेली फोन आता है बोले प्रचार करने नहीं आना। इतना जिंदा मक्खी थोड़ी ले लेंगे। अरे अभी आए हैं बना बना, जब बना बनाया लाखों लाख दो लाख वोट से जीतने के जब नंबर आया तब मेरे को खिसका दिए, मेरी पत्ती कट गई, न मेरे पास धन बल है न बाहुबल है न छल बल है, एक ही बल है मेरे पास जनता का बल है, जनता जनार्दन की ताकत है। अच्छा किए हैं जनता बताएगी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।